जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से, प्रश्नावली नंबर 5.3 तक एक एक क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विविध प्रश्नावली सब कर चुके हैं। आज देखेंगे प्रश्नावली नंबर 5.4। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग पढ़ सके, ठीक है। तो आ जाओ बेटा देखते हैं। लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है, ठीक है। तो देखते हो बेटा क्या इसमें कहेगा, पदों की संख्या कितनी है, या तीन पद दिया रहेगा, चार पद बोलेगा, पांच पद बोलेगा, ऐसे बोलेगा, छह पद बोलेगा, ठीक है बेटा। तो अगर तीन पद बोले, क्या बोले बेटा, पदों की संख्या अगर तीन बोले, ठीक है, तीन पद अगर बोल रहा है तो हम एक पद इसमें मानेंगे बेटा ए प्लस डी, क्या मानेंगे ए प्लस डी, और दूसरा पद होगा बेटा ए, और तीसरा पद हो जाएगा ए माइनस डी, ठीक है। अगर बाबू चार पद बोल दे, क्या बोल दे, चार पद बोले, इसमें अगर देखोगे बेटा डी सार्वअंतर जो होगा, क्या होगा, सार्वअंतर जो होगा बेटा, इसमें सार्वअंतर कितने का होगा, एक का होगा, कितने का होगा, कितने का होगा बेटा, एक का, या एक के साथ ओनली एक है बेटा, तो केवल डी लिख सकते हो, ठीक है, एक डी लिख सकते हो या केवल डी लिख सकते हो, ठीक है। अगर पदों की संख्या क्या हो बेटा, चार हो जाए, पदों की संख्या क्या हो जाए, चार हो जाए, तब क्या लिख सकते हैं बाबू, पदों की संख्या के चार के लिए अगर देखा जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बाबू एक काम करो, पहला माइनस मान लो, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ठीक है। पदों की संख्या चार होता है अगर, तो चार के लिए क्या करेंगे बाबू, हम ए प्लस क्या करेंगे, माइनस थ्री डी करेंगे, क्या करेंगे, ए माइनस थ्री डी, और दूसरा पद होगा बेटा ए माइनस डी, ठीक है, तीसरा पद होगा बेटा ए प्लस डी, और चौथा पद होगा ए प्लस थ्री डी, ए हो जाएगा। यहाँ पे सार्व अंतर कितना लेंगे बेटा, यहाँ पे सार्व अंतर हो जाएगा दो डी का, कितना होगा, दो डी का। अगर तीन पद है तो पहला पद ए माइनस डी, फिर ए ए प्लस डी, ऐसे मान सकते हो बेटा, ए प्लस डी, ए ए माइनस डी भी मान सकते हो, लेकिन ए माइनस डी बढ़ते हुए सही रहेगा, ठीक है। चार पद है बेटा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, ठीक है। अगर पांच पद हो बेटा, पदों की संख्या कितनी हो, पांच हो, तब क्या होगा, पांच पद के लिए अगर करोगे बेटा, पदों की संख्या पांच हो तो क्या करेंगे हम, पहले मानेंगे बेटा ए माइनस टू डी, फिर ए माइनस डी, फिर होगा बेटा ए, फिर यही उल्टा करते जाओ बेटा, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ए होगा बेटा पांच पदों के लिए, एक दो तीन चार पांच, यहां पे सार्व अंतर जो होगा बेटा क्या होगा, सार्व अंतर जो होगा कितना होगा, केवल डी होगा, ठीक है, सार्व अंतर कितना होगा मेरे रसगुल्ला, डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पदों की संख्या छह होगी तो उसमें बढ़ जाएगा बेटा, वहां पे सार्व अंतर कितना होगा, टू डी होगा, ठीक है। विषम चल रहा है तो सार्व अंतर डी हो रहा है, सम चल रहा है तो क्या होगा बेटा, टू डी करोगे। जैसे छह पद अगर है तो क्या होगा, यहाँ पे डी था, यहाँ पे थ्री डी है, तो थ्री के बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा, थ्री टू फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ए माइनस फाइव डी, उसके बाद करोगे बेटा कितना होगा, ए माइनस थ्री डी, उसके बाद करोगे बेटा क्या होगा, ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी और ए प्लस फाइव डी, और यहाँ पे सार्व अंतर कितना होगा बेटा, दो डी हो जाएगा, ठीक है, सार्व अंतर कितना होगा, टू डी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बाबू हम इसी बेस पे इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली नंबर 5.4। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 5.4 पे, उसका एक एक क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है मेरे रसगुल्ला। चलो इसको हम मिटा रहे हैं, आ जाओ बेटा प्रश्नावली नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लें। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक एक क्वेश्चन लगाना बाबू, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तीन संख्या एपी में है, ठीक है बेटा, यदि तीनों संख्या का योग फल कितना बेटा 27 तथा गुणनफल 648 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्या एपी में है, क्या है बेटा, तीन संख्या एपी में है तो योगफल कहा बेटा, तीनों संख्या के योगफल और गुणनफल। तो तीन संख्या एपी में कौन कौन से, तीन संख्या के लिए बेटा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू क्या बोला है, योगफल और सार्व अंतर दिया है, सार्व अंतर नहीं दिया, गुणनफल दिया बेटा, योगफल दिया है 27 और गुणनफल दिया है बेटा कितना 648, ठीक है। तो
तो हम करें अगर प्रथम शर्तानुसार, लिखना बेटा प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, तीनों संख्या का योगफल, मतलब बेटा a माइनस डी और प्लस a प्लस a प्लस d, कितना है बेटा 27, तीनों संख्या का योगफल हो गया। यहां पे देखना बेटा d माइनस में है d प्लस में, कट जाएगा a a a, कितना हो जाएगा 3a बराबर 27। अब बाबू अगर किया जाएगा तो a बराबर 27 बटे 3, 3 9 27, a का वैल्यू कितना आएगा बेटा 9 आ जाएगा, ठीक है मेरे रसगुल्ला। अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरा कंडीशन क्या कहा है बेटा, द्वितीय शर्तानुसार अगर देखोगे तो कहा है बेटा कि तीनों का गुणनफल 648 है, यही बोला बेटा, तीनों का गुणनफल मतलब a माइनस डी गुणे a गुणे a प्लस डी, कितना है बेटा 648 है, ठीक है। अगर किया जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी तो करोगे तो बेटा a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे a माइनस डी और a प्लस डी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको बेटा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और गुड़े ए बराबर 648, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे a, a का वैल्यू पता है कितना है 9 है, तो 9 रखेंगे बेटा 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर करेंगे बाबू, और यहाँ पे गुड़े में a है, a का कितना होगा 9 होगा बराबर 648 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से इसको क्या करेंगे 9 इधर भाग में जाएगा, ठीक है बाबू, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 648 बटे 9, 9 7 63 और 9 2 18 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 72, ठीक है बाबू। एक काम करो डी स्क्वायर को उधर कर दो 72 को इधर कर दो, तो कितना होगा 81 माइनस 72 होगा, डी स्क्वायर माइनस में तो प्लस में डी स्क्वायर, या हम डी स्क्वायर बराबर 81 माइनस 72 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, एक उधार 11, 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9, और यहाँ 7 में से 7 गया 0, तो डी बराबर आ जाएगा बेटा 3 3 का 9, ठीक है। आ गया बाबू, अब इसमें एपी निकालना बाबू, क्या निकालना है एपी, तो एपी क्या दिया है, एपी दिया है बेटा ए माइनस डी ए ए प्लस डी, तो बेटा ए माइनस डी ए कितना आया 9, तो पहला हो जाएगा 9 माइनस डी का मान 3, फिर बेटा यहाँ पे 9, फिर कितना होगा बेटा यहाँ पे ए की जगह 9 होगा ना बेटा, 9 माइनस 3 ए है 9 और 9 प्लस डी का मान 3, 9 में से 3 जाएगा बेटा कितना बचेगा 6, यहाँ पे 9 9 3 12, ए हो जाएगा इसका मान, ठीक है, ये हो जाएगा एपी 9 6 9 12, ठीक है, क्या होगा 6 9 12। उम्मीद कर रहे हैं मेरे रसगुल्ला आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं, ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं अब इसको, देखते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन भी लगाते हैं, आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्या एपी में है जिनका योग, बेटा तीन संख्या फिर बोला है, तीन पिछले में भी बोला था और तीन इसमें भी बोला है, जिनका योग 21 है, प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, ठीक है बेटा, तीन संख्या एपी में है, एपी में तीन संख्या, तो एपी क्या होगा बेटा, एपी हो जाएगा मेरे रसगुल्ला क्या होगा a माइनस बी ए और क्या होगा a और a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब कहा है बेटा तीनों का गुणनफल 21 है, तो क्या लिखेंगे बाबू, लिखना प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार कितना होगा तीनों का गुणनफल a माइनस डी, तीनों का गुणनफल बोला है बेटा, एक तीनों जिसका योगफल 21 है, योग बोला है बेटा, a माइनस डी प्लस होगा a और प्लस a प्लस डी बराबर बोला है बेटा 21, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, a a a कितना हो जाएगा 3 a बराबर 21, a बराबर 21 बटे 3, 3 7 21, a का मान आएगा बेटा 7, ठीक है। अब कहा है द्वितीय शर्तानुसार, लिख लेना बेटा क्या कहा है, देख लेना द्वितीय शर्तानुसार कहा है बेटा प्रथम संख्या का गुणनफल, ऐसे कुछ बोला है बेटा, क्या बोला है कि
प्रथम और तृतीय पद का गुणनफल द्वितीय पद से छह अधिक है। ठीक है बेटा, प्रथम पद यह होगा और तृतीय पद यह होगा। ठीक है, इसका गुणनफल द्वितीय पद से छह अधिक है। तो क्या करेंगे बेटा, हम a माइनस डी गुणे करेंगे बेटा a प्लस डी, यही होगा a माइनस डी गुणे a प्लस डी का गुणनफल बेटा द्वितीय पद से, द्वितीय पद कितना है बेटा a है, से कितना छह अधिक है, तो इसमें छह जोड़ेंगे तब बराबर होगा। ठीक है, या तो इसमें से छह घटाओ या तो इसमें छह जोड़ दो। ठीक है, अब करोगे अगर मेरे रसगुल्ला तो a माइनस डी ए प्लस डी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर ए प्लस छह। अब बाबू a का मान कितना है, सात है, तो सात का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर यहाँ पे सात प्लस छह, सात का सात सत उनचास माइनस माइनस डी स्क्वायर बराबर सात छ तेरह, डी स्क्वायर को उधर करो बेटा माइनस में है, तेरह को इधर कर दो। ठीक है, उनचास माइनस तेरह बराबर डी स्क्वायर, या लिख सकते हैं डी स्क्वायर बराबर उनचास माइनस तेरह, तो डी स्क्वायर बराबर बेटा यहाँ पे कितना होगा छह, यहाँ पे तीन, छत्तीस डी बराबर छह, डी का मान आ गया छह। अब बाबू क्या पूछा हमसे, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात करना है, एपी निकालना बेटा, एपी क्या है ए माइनस डी ए ए प्लस डी, ए कितना है बेटा ए यहीं पे सात है, सात माइनस डी कितना है छह, यहाँ पे बेटा सात, यहाँ पे सात प्लस छह, सात में से छह गया एक, सात सात छह तेरह, ये हो जाएगा बेटा इसका मान। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया खत्म, इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, चार संख्या एपी में है, यदि संख्या का योगफल 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का चार गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, चार संख्या एपी में है, चार के लिए बोले थे बेटा आप लोगों को a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a माइनस थ्री डी, ए हो गया बेटा आपका चार संख्या। ठीक है, लिखना प्रथम शर्तानुसार क्या बोला बेटा, इनका योगफल 50 है, यही बोला है बेटा, चार संख्या का योगफल कितना है 50 है, तो इसको जोड़ दो, a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए, यहाँ पे बेटा प्लस थ्री डी रहेगा, a प्लस थ्री डी बराबर कितना दिया है 50, बेटा माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, कितने बेटा a a a a कितना हो जाएगा 4a, 4a बराबर 50, तो a बराबर अगर निकाला जाएगा 50 बटे 4 काटोगे 25 बटे 2 दूनी 4, a का मान आ जाएगा बेटा 25 बटे 2। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बाबू, कहा है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का चार गुना है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का चार गुना है। ठीक है बेटा, अगर देखा जाएगा द्वितीय शर्तानुसार सबसे बड़ी संख्या, ठीक है बेटा क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या ठीक है बराबर चार गुणे सबसे छोटी संख्या, क्या होगा बेटा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बेटा ये लास्ट वाली होगी a प्लस थ्री डी और बराबर चार गुणे सबसे छोटी संख्या बेटा a माइनस थ्री डी, यही होगा a प्लस थ्री डी और a माइनस थ्री डी हो जाएगा बेटा a माइनस थ्री डी, करोगे बेटा a इसे कटेगा नहीं, a प्लस थ्री डी बराबर चार ए होगा बेटा माइनस बारह डी, ए को इधर d को इधर लाओ। ठीक है, तो थ्री डी है बेटा और बारह डी इधर आएगा तो प्लस में होगा बारह डी बराबर चार ए, और इधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, बारह तीन कितना होगा पंद्रह डी बराबर चार में से एक गया बेटा तीन ए, तो एक काम करो बेटा तीन ए का मान पच्चीस बटे दो रख दो, कितना होगा पंद्रह डी बराबर तीन गुड़े पच्चीस बटे दो। ठीक है, एक काम करो बेटा डी निकाल लो, तीन गुड़े
पच्चीस बटे ये बेटा 15 इधर आएगा, बटे में 2 है रहेगा, ठीक है। तो काटोगे 3 पचे 15 और 5वा 25, डी आ जाएगा बेटा 5/2 आ जाएगा, डी का मान आ गया 5/2, ठीक है। क्या निकालना बाबू इसमें भी, तो संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है, ध्यान देना बेटा। एपी दिया क्या है, एपी दिया है ए ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ठीक है। ए कितना है बेटा 25/2, तो यहां पे हो जाएगा 25/2 माइनस 3, डी का मान बेटा 5/2, ए कितना बेटा 25/2 माइनस डी का मान 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ए का मान 25/2, डी का मान 5/2, ए का मान 25/2 प्लस डी का मान बेटा 3, डी का मान 5/2 हो जाएगा। आ रहा पूरा बाबू, कट रहा है ए वाला हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है बेटा। कितना इसका रहेगा बाबू, चौथा नंबर ए प्लस 3d, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चौथा नंबर, ए का मान 25/2 प्लस 3 गुणे 5/2 करोगे बेटा यहाँ पे 25/2, ठीक है। और यहाँ पे 3 पच्चे 15 माइनस 15/2 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे करोगे 25 में से 5 जाएगा, 20/2 बचेगा, 20/2 यहाँ पे बेटा, 25 5 30/2 यहाँ पे बेटा, 25/2 और प्लस 5 3 15/2 हो जाएगा। अब बाबू हर बराबर हो गया, तो 25 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 10/2 यहाँ पे बेटा, 10 में 2 से 20 में 2 से भाग दोगे 10, 30 में 2 से भाग दोगे 15, 25 15 40/2 करोगे बेटा यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, ए हो जाएगा बेटा इसका एपी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट करिए, और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, इसके साथ प्रश्नावली नंबर 5.4 खत्म हो जाएगा। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी क्वेश्चन नंबर बेटा आ जाओ 4th नंबर पे, ठीक है। क्या कहा, एक चतुर्भुज के कोण एपी में है, ठीक है, जिनका सर्वांतर कितना है बेटा 10 डिग्री है। एक चतुर्भुज है बेटा, मान लिया एक चतुर्भुज है, क्या है एक चतुर्भुज है, इसके कोण बेटा ए बी सी और डी है, ठीक है। और कहा इनका सार्व अंतर कितना है बेटा, जो दिया है सार्व अंतर डी कितना दिया है बेटा 10 डिग्री, ठीक है, यह दिया है, ठीक है बाबू। अब यहां से अगर किया जाएगा, क्या कह रहा है उसके बाद बाबू, चतुर्भुज चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए बेटा, क्या कहा, चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। अगर देखा जाए चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 360 अंश, ठीक है बाबू। अब यहां पे देखा जाएगा अंतर बेटा कितना है, डी है, ठीक है। तो सार्व अंतर अगर डी है, तो अगर देखा जाएगा सार्व अंतर डी है, तो कोण ए बेटा ए के बराबर हम मान लेते हैं, ठीक है। कोण बी कितना होगा, ए प्लस डी के बराबर होगा, ठीक है। कोण सी कितना होगा, ए प्लस 2d के बराबर होगा। कोण डी कितना होगा, ए प्लस 3d के बराबर होगा, ठीक है। यहां पे करोगे कोण ए का मान बेटा हम रख रहे हैं ए, इसका बेटा ए प्लस डी, इसका ए प्लस 2d, इसका ए प्लस 3d बराबर 360। ए ए ए ए कितना हो जाएगा, 4a प्लस डी डी 3d 36d हो जाएगा, ठीक है, बराबर 360। आ जाओ आगे बेटा, 4 यहां पे 6 यहां पे, यही है बेटा 4 है और यहां पे कितना है 6 है। एक काम करो d का मान में पता रख देना, ठीक है। 4a प्लस 6 गुणे d का मान बेटा 10 डिग्री है बराबर 360, तो 4a प्लस 10 6 60 बराबर 360, तो 4a बराबर 360 माइनस 60, तो 4a बराबर बेटा 300, तो a बराबर 300/4 काटोगे बेटा कितना होगा, 4 7 28 4 5 20,
ए बराबर आ जाएगा बेटा 75 डिग्री, ठीक है। ए बराबर 75 आ गया, डी बराबर 10 दिया है बाबू। अब चारों कोण निकाल लो यहाँ पे। ए होगा पहला कोण बेटा 75 डिग्री, दूसरा 75 प्लस कितना है 10 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 85 डिग्री, ठीक है। तीसरा 75 प्लस 2 × 10 मतलब 75 प्लस 10 × 20 95 डिग्री, ठीक है बेटा। तीसरा 75 प्लस 3 × 10 तो कितना होगा 75 प्लस 3 × 30 105 डिग्री, ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है। इसी के साथ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हुआ और प्रश्नावली नंबर 5.4 खत्म हो गया। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम नए जोश और जुनून के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।